अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फैमिली गैदरिंग का लिटिल मिनी व्लॉग। इसमें हमने क्या किया, थोड़ी सी गैदरिंग की और उसके बाद गिफ्ट्स वगैरह लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जो हाला है वो यूके से आई थी, तो हम उनसे मिलने गए, तो पैदल गए हमने। बिल्कुल गाड़ी शाड़ी को हाथ ही नहीं लगाया, हमने बोला अच्छा हम पैदल जाएंगे। तो हम ये जाने के लिए तैयार हो गए, शूज़ की थोड़ी सी हमने पिक्चर्स वगैरह ली, अपनी सेल्फियाँ वगैरह लेके हम चल रहे थे सब आगे, और मैं मेरे हस्बैंड सबसे साइड पे। यहाँ मेरे हस्बैंड मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि तुमने और बकरी ने एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं। तो ज़िंदगी से एक चीज़ सीखी है कि हमेशा अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे, अगर हम पॉजिटिव रहेंगे, हमें हर चीज़ अच्छी लगेगी, हर चीज़, हर रिश्ता हमें अच्छा लगेगा। क्योंकि गलती हर इंसान से होती है, क्योंकि हम इंसान हैं इसलिए हमसे गलती होती है। और अगर अल्लाह ताला हमें माफ़ कर सकता है तो बंदे क्यों नहीं। तो इसीलिए रिश्तों को बचाने के लिए, रिश्तों को संभालने के लिए सबसे पहले, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप पॉजिटिव रहें। जितना आप नेगेटिव रहेंगे, खुद को डिप्रेशन में लेके जाएंगे, पैनिक अटैक्स में लेके जाएंगे, जो मेरे साथ रहा। पर अल्हम्दुलिल्लाह सो पॉजिटिव नाउ। तो यहाँ हम पहुँचे तो मेहंदी देख के मेरा दिल किया कि मेहंदी लगवाऊँ। ये मामी थी, उनके हैंड्स मैं उनको दिखा रही थी। उसके बाद हमने खाना खाया, तो उसमें था चिकन पुलाव और चिकन और पालक और सारी चीज़ें, ड्रिंक्स वगैरह। अंदर बैठ के बातें कर रहे थे तो बाजी की एक्नी नज़र आई, तो आंटी ने फ़ौरन ये टी जोन स्पॉट जेल जो है निकाल के दी। तो 3 विद इन 3 आवर्स जो है ना, उनका एक्नी जो है बैठ की थी और बिल्कुल क्लियर हो रही थी। खाना वगैरह खा के शाम की तैयारी करने लगे थे, क्योंकि हमने यहीं पे रुकना था। मैंने मेहंदी भी लगवा ली थी हाथों पाँव पे, फिर चॉकलेट्स आ गई थी, मैंने इतनी ली नहीं थी वैसे वीडियो के लिए। तो हाथ पाँव पे मैं मेहंदी लगा चुकी थी, और ये मेरा बेटा। बच्चों की माएँ मेहंदी कैसे लगाएं, वेरी डिफ़िकल्ट। 3 4 बते लगे हुए थे इसको संभालने में, और मैंने हाथों और पाँव में मेहंदी लगवाई। तो खाना वगैरह हमने खा लिया था शाम का, और ये हम बैठे हुए थे, इन सबको बिठाया कि जो जो बैठेगा उसको गिफ्ट्स मिलेंगे। तो ये सुकून से बैठ के थे, नहीं तो इससे पहले इनको बिल्कुल सुकून नहीं था। ये गिफ्ट्स लेने के लिए सुकून में बैठे हैं। यहाँ आंटी के आने की मुबारक हमने सबको दी, तो मुबारक वगैरह ले के फिर हमने गिफ्ट्स लिए। ये मेरा चुटकू भाग गया लेके। उसके बाद आंटी जो है ना, विटामिन सी के लॉलीपॉप्स ले आई थी बच्चों के लिए और सबको डिवाइड किए। नाउ इट्स टाइम फॉर गिफ्ट्स। तो ये सब अपने अपने गिफ्ट्स ले रहे थे, और मैं सबको बोल रही थी सारे मुझे दिखाते हैं जो अपने अपने गिफ्ट्स। जैनब के मुंतहा के इसमें थी पेंसिल्स और हेयर एक्सेसरीज और नेकलेस वगैरह, ये जोया माइशा के, और चॉकलेट्स थी सब बच्चों की, अपने अपने पैकेट्स थे। ये मुस्तफ़ा और अब्दुल हादी की, ये सियाम की, तो ये सब की चीज़ें। सारे अपना अपना सामान लेकर बैठे हुए थे। ये जैकेट्स ये बाजी की बहुत मज़े की थी और बहुत क्यूट सी थी, ये मेरी, और ये सारी चीज़ें। बेबी की चीज़ें थी न्यू बॉर्न, और ये सब अपना सामान लेकर बैठे हुए थे। बिल्कुल ऐसा नफसा नफसी वाला, क्यामत वाला सीन चल रहा था, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई थी। अगर आपको हमारी फैमिली गैदरिंग अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।